इस तरीके से कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का आप विभाजन कर सकते हैं, जिसमें संघर्षशील बच्चे, प्रयासरत बच्चे और निपुण बच्चे। संघर्षशील जो बहुत ही कमज़ोर हैं, प्रयासरत जो प्रयास कर रहे हैं, और निपुण में वो जिनको मानक के अनुसार चीज़ें आने लगी हैं। तो इस तरीके से आप भाषा और गणित में कक्षा 1 से लेकर 3 तक बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं।